नमस्कार, मैं हूँ सिंधु और सिंधु की रसोई में आपका स्वागत है। आज हमें बनाना है फ्राई बैंगन, जिसकी रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं। तो ये व्हाइट वाला बैंगन है और इसको बीच में से हमने तीन तीन चार चार टुकड़े लंबे आकार में कर लिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल और ये इतना सारा जो लहसुन है इसको कूट के डाल देंगे। जब ये लहसुन लाल हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे बेसिक मसाले, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और जब ये मसाले भुन जाएंगे उसके बाद डाल देंगे हमें ये बैंगन। बैंगन डालने के बाद हमें ना पानी डालना है और ना ही कोई और चीज़ डालना है। जब ये बहुत ही टाइट टाइट हो जाएगा, यानी कि फ्राई हो जाएगा, जैसे पकौड़ी तलते हैं उस टाइप का, तो उसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमें बाद में ऐड करना है और गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसको ढक के पकाएंगे। आप देखेंगे जब ये पक जाएगा तो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। और इसकी रेसिपी हम इसके पहले भी शेयर किए हैं, लेकिन ऐसी वाली बैंगन नहीं, हमने भरवा बैंगन शेयर किया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जैसा भी आपका बने हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मसाले में ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में हमें इसमें अमचूर पाउडर डालना है। जब अमचूर पाउडर डाल लेंगे तो कढ़ाई में ही इस बैंगन को छोड़ देंगे और कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार उसी तरीके से पड़ा रहेगा। उसके बाद इसको निकालेंगे और पूरी पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से बैंगन ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको फिर हम नई नई रेसिपी लेकर के आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक के लिए अब बंद करते हैं। थैंक यू।